हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 10, दिन शनिवार, महीना सितंबर है। हिंदी महीना भादो और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा का मतलब होता है कि आज की रात पूरी उजली रहेगी, अर्थात पूरे गोलाकार रूप में रात भर चंद्रमा दिखेगा। वहीं आज से श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज से पूरे महाराष्ट्र में प्रण लिया गया है, एक आंदोलन शुरू हो गया है कि किसी भी भिखारी को केस नहीं देना है। भिखारी को भोजन देना है, पानी देना है, लेकिन नगद में एक रुपया भी नहीं देना है। मुंबई, पुणे और पूरे महाराष्ट्र में एक अलग आंदोलन शुरू हो गया है। चाहे वह किसी भी तरह का भिखारी क्यों न हो, यदि किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वह महिला, पुरुष, वृद्ध, विकलांग, बच्चे, यदि भीख मांग रहे हैं तो हम उनको पैसे के बदले भोजन दें, पानी दें, लेकिन उन्हें पैसे में भीख नहीं देंगे। इससे ये फायदा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भिखारियों का गिरोह टूट जाएगा और फिर वे बच्चों का अपहरण करना बंद कर देंगे, क्योंकि यह गिरोह बच्चों का अपहरण करता है और इसी कारण आज प्रदेश तथा देश में बच्चों का अपहरण होता है। भिखारियों के पास नगद केस आने से उनका काम आसान हो जाता है। इसलिए आज से हम भी प्रण लें कि हम किसी भी भिखारी को भीख में एक रुपया नहीं देंगे, अर्थात केस नहीं देंगे। मैं भी आज से प्रण लेता हूँ और आप भी प्रण लें और कमेंट में हाँ या ना में जरूर बताएं। दोस्तों, प्रदेश में रासायनिक खाद में गड़बड़ियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों को खाद से वंचित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को जिस समय खाद की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उस समय खाद के लिए अफरा तफरी मच जाती है, जो कि यह अपराध है। दोषियों के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए जो उदाहरण बने। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खाद वितरण में लगी कंपनियों को समझाने से अब काम नहीं चलेगा। दोषियों के विरुद्ध एक्शन भी लिया जाए और तत्काल FIR कर उनको गिरफ्तार भी किया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह आपात बैठक जबलपुर संभाग के जिलों में आवंटित यूरिया के संबंध में हुई गड़बड़ी के चलते ली। इस आपात बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजित केसरी, जबलपुर के संभागायुक्त श्री चंद्रशेखर, वहीं जबलपुर का पुलिस प्रशासन और मार्केट के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए थे। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस आपात बैठक में सभी क्लास 1 ऑफिसरों की परेड ले ली और इस परेड का इतना एक्शन हुआ कि तुरंत ही कार्रवाई कर दी गई, राइट। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला है चुनावी मानदेय। इसके लिए कर्मचारी संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों को पिछले 2 महीने बाद भी चुनाव का मानदेय नहीं मिला है। कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिन में भुगतान करने के लिए कहा भी गया था, लेकिन अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस मानदेय को लेकर कर्मचारी संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव और 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव में लाखों कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जांच करके जल्द से जल्द मानदेय भुगतान करने की मांग की है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हीं का मानदेय अब तक उनको नहीं मिला है। इसी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अब यह मांग कब पूरी होती है वह देखना होगा। दोस्तों, देश सहित प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसी यात्रा के चलते कमलनाथ जी ने कहा कि फूट डालो राज करो की नीति का जवाब है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कमलनाथ जी ने कहा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति वर्तमान में सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। इस नीति के विरोध में ही राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य भारत के सभी लोगों को एक साथ जोड़ना है। हालांकि भारत के सभी लोग एक साथ जुड़ते हैं या नहीं यह चुनाव में ही पता चलेगा, राइट। कमलनाथ जी ने कहा कि यह यात्रा देशवासियों को प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देने का काम करेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने की इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करने के लिए मैं राहुल गांधी जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार राहुल गांधी जी की यह यात्रा चुनाव में क्या रंग लाती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 14 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का चयन सर्वे, जाति समीकरण और जीत की संभावना के आधार पर होगा। वरिष्ठ नेता अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जाएंगे
उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर ही अंतिम सूची बनेगी, अर्थात विधायक उम्मीदवारों का चयन होगा। इसके अलावा वर्तमान सरकार के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत भी प्रस्तुत होगा और जनता के लिए वचन पत्र भी जारी होंगे। इसको लेकर समिति के सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वचन पत्र में वह क्या रखते हैं यह देखना होगा, लेकिन सभी किसानों को उम्मीद है कि एक बार किसान कर्ज माफी पूरी हो, राइट। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान, युवा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति से लेकर हर वर्ग परेशान है। टेक होम राशन से लेकर खाद घोटाला तक सामने आ चुका है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें अनियमितता की बात सामने नहीं आई हो। कई शिकायतें हमारे पास पहुंच रही हैं, समय आने पर उन्हें सार्वजनिक भी किया जाएगा। इस प्रकार पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, स्कूली बच्चों को मिलने वाली 10 दिन की छुट्टी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में दशहरे पर 4 दिन और दीपावली पर 6 दिन की छुट्टी मिलेगी, इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरा और दीपावली का अवकाश घोषित कर दिया है। इस बार दशहरा का अवकाश 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 4 दिन रहेगा, वहीं दीपावली पर 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 6 दिन का अवकाश रहेगा। यह अवकाश छात्रों और शिक्षकों के लिए रहेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार त्योहारों पर बच्चों के लिए छुट्टी गुड न्यूज है, राइट। दोस्तों, पेंशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन के लिए मध्य प्रदेश में चल रही है पेंशन हितग्राहियों की पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा। राज्य शिक्षक संघ 5 सितंबर शिक्षक दिवस से पूरे प्रदेश में पेंशन सत्याग्रह यात्रा पर हैं। वे 10 और 11 सितंबर को प्रदेश के खरगोन, खंडवा और बड़वानी जिले में पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा पर रहेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे करके प्रदेश के सभी जिलों में यह यात्रा चलेगी। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें पेंशन दे। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ सीजन 2022 के लिए धान का पंजीयन शुरू होने वाला है। यदि आपको अपनी धान की फसल समर्थन मूल्य पर बेचना है तो दी गई तिथि पर पंजीयन जरूर करवा लें। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसान 15 सितंबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं, अर्थात एक महीने का टाइम दिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किसान पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए आपको MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र या फिर निजी व्यक्तियों द्वारा भी आप पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा सबसे सरल काम है सोसाइटी में जाकर भी आप पंजीयन करा सकते हैं। इस प्रकार समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कभी भी पंजीयन करवा लें, राइट। दोस्तों, ध्यान रखने की बात है, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 बच्चे नदी में डूब गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 को बचाया गया। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में नवरात्रा है और इस दौरान भी विसर्जन के समय ऐसा होगा, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोलिया में अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन करने गए 3 बच्चों में से 1 की मौत हो गई। गरोड़ पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है, लेकिन हमें सावधान रहना है ताकि आगे ऐसा हादसा ना हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिर बरसेंगे बदरा। प्रदेश में आज से 14 सितंबर तक फिर हो सकती बारिश। 2 नए सिस्टम फिर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। प्रदेश में बारिश जो 14 सितंबर तक चलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 8 दिन में 2 नए सिस्टम बन रहे हैं जिससे प्रदेश में बारिश होगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि आज से 14 सितंबर तक लगातार प्रदेश के मध्य और उत्तरी इलाकों समेत कई अन्य इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। बन रहे 2 सिस्टम से पूरा प्रदेश फिर भीग जाएगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।